असल में हम आईडी साहब के पास एक डेपुटेशन की सूरत में आए थे और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो ये रजौरी पुंछ और अनंतनाग की असम्बली है, इसमें 7 तारीख को वोट होने जा रहे थे। सोशल मीडिया के थ्रू हमें ये देखने में आया है वो कि उसमें हमारे कुछ जो पार्टी के लीडरान थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने कोई अपनी रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी हैं और उसमें उन्होंने ये सबमिट किया है कि जो रास्ता है वो क्लियर नहीं है, तो उसमें जो इलेक्शन है इसको रीशेड्यूल किया जाए। हमने डी साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमारे बहुत सारे जिसमें लोग गुजर बकरवाल और हमारे पहाड़ी भाई जो हैं, बहुत सारे जो हैं काफ़ी तादाद में वो मूव करते हैं बिलखसूस राजौरी और पुंछ से, तो अगर ये रीशेड्यूल किया गया तो ये लोग जो हमारे हैं जो ऊपर मूव करते हैं तो ये तो यहाँ रह नहीं सकेंगे, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ गया है। तो अगर इलेक्शन पोस्टपोन होता है तो हमारी जितनी भेड़ बकरियाँ या भैंसें और सारी चीज़ जो है वो उनको मरने का खदशा है, और उसके अलावा अगर ये लोग ऊपर जाएंगे तो ये अपने उस राइट टू वोट से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो कोई ऐसा ज़रिया ही नहीं है कि वहाँ से उनका कोई वोट जो है वो कास्ट किया जाए। इसलिए हम डी साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि जनाब हमारी ये जो आवाज़ है ऊपर तक पहुँचाएँ, और ये जो इलेक्शन है ये जो डेट है 7 तारीख की उसी पे होना चाहिए ताकि ये लोग भी अपना राइट जो है उसका सही इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए आज हम इनके पास आए थे, तो उन्होंने एश्योरेंस की है कोई बात नहीं, हम आपकी ये चीज़ जो है ये भी ऊपर तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया जनाब इनायत वकील साहब, ये हमारे स्टेट सदर हैं, इनकी सरपरस्ती में हम जिस साहब से मिले, जो मिलने का ये मकसद हुआ कल हमने यहाँ मीडिया में जो एक फास्ट सोचा होगा इलेक्शन की जो डेट जो आगे जा रही है, इसलिए हमें जो हमारे लोग बेचारे परेशान लोगों ने जगह जगह से फोन शुरू कर देंगे, जनाब हम तो पहले परेशान थे इलेक्शन हमारा मिसाल 7 तारीख तक था, आप जो इलेक्शन की डेट आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारा माल मवेशी जनाब परेशान है, हम गर्मियों में बस पानी नहीं इस वक्त, आज तो बारिश के बाकी वो कहते हैं कि रास्ते की कोई प्रॉब्लम है नहीं जनाब, रास्ते हमारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है, रास्ते की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे नहीं प्रॉब्लम है। इसलिए हम जिस हिसाब से गए थे तो हमने आज की जनाब के इलेक्शन मुकर्रर डेट पर किया जाए कि लोगों को ताकि कोई परेशानी न मिले। इस जो कल हमने एक यहाँ इलेक्शन के बारे में सुना कि कुछ पार्टियों ने अब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया को खत लिखा, लेटर लिखा कि यहाँ मौसम ख़राब है, इसलिए ये इलेक्शन जो है ये तीसरे थर्ड लास्ट में ये करवाए जाएं। लेकिन हम जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये बहुत बड़ा अपील करते हैं, और जनाब आज हम डीसी साहब से भी हमने मिलकर ये अपील की है कि जो इलेक्शन है ये मुकर्रर वक़्त पर 7 तारीख को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुगल रोड बिल्कुल साफ़ है और आने जाने का रास्ता बिल्कुल साफ़ है, इसलिए हम जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये बहुत बड़ा अपील करते हैं कि जो इलेक्शन जो है ये मुकर्रर वक़्त पर होना चाहिए, क्योंकि हमारे ये खानाबदोश लोग जो हैं इसमें गुज्जर भी हैं, बकरवाल भी हैं, दोदी भी हैं, पहाड़ी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, ये सब लोग ढोकू में जाते हैं, इसलिए अगर इन लोगों को आपने वोट इस्तेमाल ना किया तो इनका बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए हम जनाब मीडिया की विरासत से कहना चाहते हैं कि जे मकर 7 तारीख को हमारा ये रजौरी पुंछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन जो है ये मुकर्रर वक्त